अब तक की पांच अहम खबरें। मस्जिदों में हिंदुओं की बेटियों का माइंड वॉश करना और लव जिहाद को बढ़ाना ही सिखाया जाता है। साध्वी प्राची। हिंदू फार राइट लीडर साध्वी प्राची, जो कि मुसलमानों के खिलाफ अपने दिए गए विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती है, उन्होंने पहले भी एक बयान दिया था जहां उनका कहना था कि द करन स्टोरी देखी जाए और मुसलमानों की आबादी रोकी जाए, क्योंकि अभी वो सिर्फ 32% ही है आबादी में। अगर वो 40% हो जाएंगे तो हिंदुओं की बेटी का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। उनके इसी बयान के चलते उनके खिलाफ राजस्थान पुलिस ने आईपीसी की धारा 295A और आईटी की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन फिर भी मुसलमानों के लिए साध्वी प्राची की नफरत खत्म नहीं हुई। आज फिर से उन्होंने एक विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि द कैरल स्टोरी कोई पिक्चर नहीं है, वो सच्चाई है जो कि उसमें दिखाई गई है, और अभी तो उसमें सिर्फ 1% ही दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों में कुछ नहीं होता, वहां बस यही सिखाया जाता है कि हिंदुओं की बेटियों का माइंड वॉश किया जाए और लव जिहाद को फैलाया जाए। इसलिए मैं कहती हूं कि इन मदरसों और मस्जिदों को बंद करो, क्योंकि कई मदरसों में गैर कानूनी हथियार भी मिले, वहां कोई पढ़ाई नहीं कराई जाती है, वहां बस जिहादी बनाया जाता है। इतना ही नहीं, साध्वी प्राची ने यह भी कहा कि अब से किसी भी हिंदू लड़की को मुसलमान लड़की के साथ दोस्ती ना करने दी जाए। इस बात का ख्याल माँ बाप रखें कि अगर उनकी बेटी किसी भी मुसलमान या हिजाब वाली लड़की के साथ दिखती है तो उसे थप्पड़ मारकर समझाया जाए कि मुसलमान लड़की के साथ दोस्ती नहीं रखनी है। वो 30 से 40 लोगों को खुद लाएंगे और फिर तलाशी करके मुझ पर दहशतगर्दों को छुपाने का इल्जाम लगाएंगे। इमरान खान। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पीटीआई सदर इमरान खान को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आमिर मीर की जानिब से 24 घंटों की वार्निंग दी गई थी कि आर्मी पर हुए हमले में जो दहशतगर्द मुलव्वस थे, वो 30 से 40 दहशतगर्दों को इमरान खान अपने जमन पार्क वाले घर से निकालकर उनके हवाले कर दें, वरना पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके बाद इमरान खान ने ट्वीट कर कहा कि पुलिस ने ये तो बताया कि 30 से 40 दहशतगर्द मेरे घर पर छुपे हैं, पर उनके नाम जाहिर नहीं किए, क्योंकि वो खुद अपने साथ 30 से 40 लोगों को लाएंगे और तलाशी के वक्त उन्हें पकड़कर मुझ पर उन्हें छुपाने का इल्जाम लगाएंगे। इसके साथ ही इमरान खान ने आमिर मीर की इस वार्निंग के बाद मीडिया को अपने घर आने को कहा और उनके सामने अपने घर के दरवाजे खोल दिए और उनसे कहा कि वो खुद देख लें कि उनके घर पर कौन से दहशतगर्द छुपे हैं। इसके बाद इमरान खान का एक और बयान आया जहां उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल तो उन्होंने जिया और परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ लगाने के वक्त भी नहीं देखा था। उनका कहना है कि ये सोच सिर्फ दहशत का माहौल बनाने और पीटीआई का साथ देने वालों को निशाना बनाने की है। उन्हें ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी एक भेड़ों का झुंड है जिसे वो अपनी ताकत दिखाकर डराएंगे, लेकिन हम नहीं डरेंगे क्योंकि हम इंसान हैं और आज तक के सबसे अजीम रहनुमा की उम्मती हैं, जिसने हमसे ये अहद ली है कि हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेंगे और उसके सिवा किसी के सामने भी नहीं। संसद के लिए प्रधानमंत्री के दोस्तों ने नहीं भरा है पैसा जो वो बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी। भारत के संसद की नई इमारत बनकर तैयार हो गई है, जिसका उद्घाटन करने के लिए स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें संसद की नई इमारत का उद्घाटन करने का न्योता दे दिया। नई संसद की इमारत भी पूरी तरह से तैयार हो गई है और ये इमारत आत्मनिर्भर भारत को दिखाती है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानिब से 28 मई को किया जाएगा। वहीं स्पीकर ओम बिरला की इस मुलाकात के बाद ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री क्यों संसद का उद्घाटन करेंगे, वो एग्जीक्यूटिव के अध्यक्ष हैं ना कि आईन के। उद्घाटन के लिए हमारे पास अलग ताकतें और लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयर हैं, वो कर सकते हैं। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संसद की नई इमारत अवाम के पैसों से बनी है, तो प्रधानमंत्री ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं जैसे कि ये उनके दोस्तों ने अपने निजी पैसे देकर बनवाई हो। CUET के एग्जाम सेंटर के जम्मू कश्मीर से बाहर आने पर परेशान बच्चों पर महबूबा मुफ्ती की अपील। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी के CUET, ये वो एग्जाम है जिसे देकर और उसमें पास होकर बच्चे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लेते हैं। वहीं अब इस टेस्ट को लेकर एक बड़ा बवाल समझ गया है। जब इस एग्जाम को देने वाले बच्चों के सेंटर की लिस्ट बाहर आई, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई बच्चों का एग्जाम सेंटर जम्मू कश्मीर से बाहर आया, बच्चों में इस बात को लेकर बड़ी टेंशन थी कि आखिर वो कैसे जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर एग्जाम देंगे, क्योंकि कुछ बच्चों की माली हालत कश्मीर से जम्मू तक आने की भी नहीं है। इसी मामले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था और कहा था कि वो एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि बच्चों के हक में फैसला लिया जाए। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज ट्वीट किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के बाहर CUET एग्जाम सेंटर बनाने के NTA के फैसले ने बच्चों के बीच में बड़ी निराशा पैदा कर दी है। पहले से ही बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की परेशानी से बच्चे जूझ रहे हैं, क्योंकि वो इंटर स्टेट के सफर का भी खर्चा नहीं उठा सकते।
महबूबा मुफ्ती ने एलजी मनोज सिन्हा से विनती करते हुए कहा, मनोज सिन्हा जी अनुरोध है कि इस मामले को जल्द ही देखें क्योंकि बच्चों के इम्तिहान 25 तारीख को हैं। राहुल गांधी के लिए झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी आफत, नहीं मिली अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में कोई राहत। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा की अदालत में कार्यवाही पर लगी रोक हटा ली है और राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्यवाही नहीं करने के आदेश को भी कोर्ट ने वापस ले लिया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले में गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई तय की है। 2018 में राहुल गांधी ने कांग्रेस की एक बैठक में कहा था कि भाजपा एक हत्या के आरोपी को अपना अध्यक्ष बना रही है, लेकिन कांग्रेस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी के अमित शाह पर ऐसी टिप्पणी करने को लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार की तरफ से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उनका कहना था कि राहुल गांधी के बयान से पार्टी को सदमा पहुंचा है और वो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनकी भावनाएं भी दुखी हैं। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।